Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel। तो हम आज बटियारा स्टाइल वाइट सीख बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 5 मीडियम साइज़ की अनियन को फाइन चॉप कर लिया था। पाउडर मसाले में मैंने धनिया एंड रेड चिली को क्रश कर लिया था ग्राइंडर में। एंड गरम मसाला लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट लिया है, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट है, यहाँ पर 6 हरी मिर्चियों का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून ग्रीन जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। यहाँ पर मैंने क्रीम, मेयोनीज एंड मिल्क भी लिया है। तो मैं जब ये ऐड करूँगी तो आपको बता दूँगी कि कितना क्वांटिटी ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च ली है, जिसको मैं यहाँ पर लेंथ वाइज चॉप कर लूँगी इस तरह से। अब कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 3 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, स्टारफुल एंड 4 से 5 लौंग लिए हैं। यहाँ पर मैं दही लूँगी, जो मैं 6 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी मसाले में। मैं यहाँ पर 1/2 kg चिकन एंड 1/2 kg राइस को मैंने 2 आवर्स के लिए सोक कर लिया था। अब मैं यहाँ पानी में 4 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी एंड मैं यहाँ पर ज़ीरा ऐड करूँगी। ये पानी हम राइस के लिए बॉईल कर रहे हैं। पानी में एक बॉईल आने पर अब यहाँ पर मैं राइस ऐड कर दूँगी। राइस में जब एक उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो हमें यहाँ पर 75% राइस कुक करना है। ऑयल में मैंने खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं। अब मैं यहाँ पर अनियन को फ्राई कर लूँगी ऐड करके। एकदम ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमको यहाँ पर अनियन को। जब राइस गोल्डन हो जाएगी अनियन, तब मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करूँगी एंड इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम यहाँ पर। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा जिंजर गार्लिक और अनियन के साथ, तो मैं यहाँ पर मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ऐड करते टाइम आपको फ्लेम ऑफ रखनी है ताकि वो फटे ना। अब मैं इसको कंटिन्यूसली स्टर किया है। अब मैंने यहाँ पर 2nd कप और ऐड किया है। अब मैं इसको वापस कंटिन्यूसली स्टर करूँगी ताकि वो फटे नहीं। अब मैं यहाँ पर क्रीम ऐड करूँगी, अमूल फ्रेश क्रीम, जो मैंने 1/4 कप ऐड किया है। आपके पास नहीं है तो आप घर की क्रीम भी, मलाई जो दूध की रहती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले को। यहाँ पर 3 टीस्पून मैंने मेयोनीज ऐड किया है। ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा वरना ये एकदम स्टिकी हो जाएगा। विक्स की मदद से मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मसाले को सब मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो पाउडर मसाले लिए थे वो भी मैं इस स्टेज पर ऐड करूँगी एंड इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनने का है। भून लेने के बाद हम यहाँ पर चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से भूनना है आपको मसाले के साथ। कंटिन्यूसली मैंने 10 मिनट्स तक यहाँ पर पूरा इसको पकाया था चिकन को एकदम अच्छी तरह से। एंड मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है। दही ऐड करते टाइम जो फ्लेम है गैस की, वो मैं यहाँ पर एकदम स्लो रखूँगी ताकि ये फटे नहीं, दही कर्डल ना हो। मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एंड देन कवर कर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी ताकि ऑयल सरफेस पर आ जाए। अब मैं यहाँ पर ऑयल में ज़ीरा ऐड किया है एंड शिमला मिर्ची को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। एकदम हमको पकाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा चिकन पर ऑयल चिकन किस तरह से पक गया है। तो ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी लेयरिंग की तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ पर चिकन का जो भी मसाला है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। मैं इसको अच्छी तरह से इक्वली पूरा ऐसा फैला दूंगी चिकन को। एंड देन हम लोगों ने जो शिमला मिर्ची और सीरे का जो प्रिपेयर किया था, जो फ्राई किया था, वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छी तरह से इक्वली हर जगह पर फैला दूँगी। अब मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करिएगा, अच्छा लगेगा। एंड देन मैंने यहाँ पर बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दिया था। जब तक उसको कोयले का धुआं देने के बाद हम इसको ढक कर रखेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर हम मैंने जो राइस ऐड किया है, वो अच्छी तरह से राइस को आपको सरफेस पर पूरा फैला देना है। यहाँ पर मैंने जो ज़ीरा और शिमला मिर्ची का जो बघार दिया था, उसका थोड़ा सा तेल मैंने निकाल कर रखा है, अब वो मैंने ऐड किया था। एंड देन फूड कलर रेड एंड येलो, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पर 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर दम दिया था। तो देखिए हमारी जो ये बिरयानी है कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये परफेक्ट एकदम बटियारा स्टाइल रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर 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 ट्राई करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को एंड रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड
कमेंट्स भी करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।